कैलिसन के पास किया। काजी महल के ऑब्स्ट्रक्शन पाकिस्तान के डीगे करीब फ्री हिट हॉलैंड के हाथ में। विलिसन आउटसाइड राइट पोजीशन पर ब्रिंकमैन के पास कॉर्नर। ब्रिंकमैन कॉर्नर की हिट लगेंगे। बड़ा अच्छा क्रॉस मारा है ब्रिंकमैन ने, बहुत अच्छी क्रॉस थी। हॉलैंड के साथ कोई भी खिलाड़ी इसको डिटेक्ट नहीं कर सका। हॉलैंड की यही कोशिश रहेगी कि वो पेनल्टी कॉर्नर किस तरह से हासिल करें। क्लाजन, क्लाजन से डेलिसन, बैक पास उनका ब्रिंकमैन की तरफ, ब्रिंकमैन का गलत पास, कॉर्नर फ्लैग के करीब बाहर। खेल शुरू हुए 2 मिनट 40 सेकंड। पाकिस्तान को पहले मिनट में गोल करने का अच्छा मौका मिला। स्कूप किया लेकिन बाहर गया गेम। अच्छे रिसेप्शन जुनैद की, गेंद वसीम फिरोज के पास, अंदर आए वो तो एक और खिलाड़ी को डॉच किया और ये कॉर्नर है। अच्छा रन लेफ्ट फ्लैंक पर वसीम फिरोज का। अटाम कमर इब्राहिम को गेंद मिला, बहुत अच्छी रिसेप्शन, अच्छा पास दिया वसीम फिरोज ने। देख के कमर इब्राहिम लैंडर की थोड़ा सा पीछे चले गया बॉल, कमर ने रोक भी ली लेकिन थोड़ा सा आगे होता तो वो बिल्कुल उनको आइडियल मिलता डी में जाने के लिए। क्लाजन क्रुक गलत साइड लाइन से बाहर। हालत बशीर फरद खान अंजुम सईद कमरा बेहन के पास गिर आया। दोबारा कमरे में के पास कमरे का क्रॉस फरद खान के पास, उन्होंने डॉच किया डेलिसन को, डेलिसन ने वापस आकर उनसे गेंद छीना, उनका कैरेट हुआ। पाकिस्तान के हक में फरद खान शबाज के पास गेंद, शबाज की ट्राई और पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल शाहबाज अहमद। बहुत खूबसूरत गोल किया शाहबाज ने, उनको बॉल मिली टॉप ऑफ द डी पे फरद खान का पास और सीधा वो डी में बॉल ले गए। 5वें मिनट में शाहबाज अहमद का पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल। ये आपके सामने शाहबाज, जैसे पहले कहा था राजी साहब के शाहबाज डेंजरस आज फॉरवर्ड होंगे, उनको अगर ओपन में छोड़ा जाएगा और ये हुआ कि उनको ओपन बॉल मिली और उन्होंने उससे पूरा भरपूर फायदा उठाया। दीपोबीन के पास गए और ये रिप्ले फसल, ये देखें एक्शन रिप्ले। फरद का बहुत उमदा पास, शाहबाज ने सीधा बॉल को लेकर आए, बड़ा खूबसूरत उन्होंने पुश किया, गुगो के गोलकीपर के पैड के बीच से गया, दोनों कामों के दरमियान से गया। जी हाँ, गोलकीपर की गलती से गोल हुआ ये। पाकिस्तान एक गोल, 5वें मिनट में पाकिस्तान की बत्तरी शाहबाज के खूबसूरत गोल के जरिए। उसने थोड़ी देर के लिए खेल रोका हुआ क्योंकि डीपोबीन को जरा चोट लगी है मुंह पर। बड़ी अच्छी अर्ली लीड मिली है पाकिस्तान को और इसको वो उनको इससे एक फायदा जरूर होगा इस गोल से, अर्ली लीड से, कि हॉलैंड अब अटैक पर आएगा, कोशिश करेगा किसी तरह इंसाफ में वो गोल जल्दी से जल्दी बराबर करे और उसमें पाकिस्तान की अगर फॉरवर्ड लाइन सही क्लिक करे। ये डीपोबीन आपके सामने जिनको चोट लगी है और हॉलैंड के टीम डॉक्टर, उनके मुंह पर चोट लगी है। पाकिस्तान टीम अगर सही क्लिक करे तो इनको एक गोल और मिल सकता है। ये देखें फरद का बहुत अच्छा पास, शाहबाज पीछे आके शाहबाज ने लिया और सीधा उन्होंने बगैर किसी को डॉच दिया सीधा लेकर गए गोलकीपर के पैडों के बीच से।
आपने हसन इसमें एक चीज देखी कि उन्होंने जब पास दिया तो पास को लेते ही उन्होंने गेंद को पुश किया और उसके उसके पीछे भागे और उन्होंने एक जो डिफेंडर उनके सामने था उसी के साथ डॉज हो गया। जी हाँ, ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, बॉल को रिसीव करना ही असल बात है एस्ट्रोटर्फ पर। अगर सही बॉल को जिस तरह शहबाज ने अभी रिसीव किया है, उसी रिसीव करने में ही उन्होंने दो तीन खिलाड़ी वहीं खड़े रह गए, सबको वो डॉज दे गए। खेल शुरू हुआ, उसके खतरनाक एक फॉल करार दी गई। काजी मोहित फरद खान, तारिक शेख गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके, क्रुक ये आपके सामने बैक पास उनका क्याजुल, गेंद शहबाज के पास, शहबाज ने डॉज किया खिलाड़ी को, थ्रू पास फेंकना चाहते थे लेकिन वसीम फिरोज उनके साथ आए हुए थे। वसीम फिरोज को आगे जाना चाहिए था, पीछे फरद खान, फरद खान और बहुत अच्छा थ्रू पास वसीम फिरोज की तरफ, वसीम द क्रॉस, तारिक शेख की एक बार फिर क्रॉसिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन इससे साथ उन्होंने रेफरी ने कहा कि उन्होंने उनकी हॉकी पर हॉकी मारी थी क्रुक की। जी हाँ, ये फिर मौका था, तारिक शेख सही पोल के सामने नहीं जा रहे क्रॉस लेने के लिए। वसीम फिरोज की बहुत अच्छी इंटरसेप्शन, एक और क्रॉस डिब्रू ने क्लियर किया, वसीम फिरोज डिब्रू ने बहुत अच्छा गेंद इंटरसेप्ट करके दिया इस वक्त डिब्रू के पास, ब्रिंकमैन से और लेबलेट की तरफ, विनेद की अच्छी टैकलिंग, फरद खान, पावलेट को, जुनेद को आज पावलेट को मार्क करना पड़ेगा क्योंकि वो एक तो 100 मीटर के स्प्रिंटर भी हैं।